वैसे युगांडा में मेरा आज पहला दिन है, कल बिल्कुल बेकार सा दिन रहा, आज पहला दिन है। हम लोग एक्चुअली यहाँ पे रह रहे थे, ये है हमारा, ये है Airbnb, सेट्स विनेडर विनेडर की, और ये कुछ ऐसा हमारा घर दिखता है, ये पूरा घर मिल गया है, और देर देखिए इधर, तो भाई ये घर है हमारा, इसके लिए हम लोग पे कर रहे हैं रोजाना के 1400 रुपये, 1400 रुपये में उन्होंने 3 बेड दिया है। भाई काफ़ी सस्ता है क्योंकि 3 बेड है, 1 किचन है, 2 बाथरूम है, हालांकि एक ही रूम यूज करेंगे, हम जो कि गंदा करना नहीं चाहते हैं। तो ड्राइवर यहीं पर नहीं भी आएगा कुछ समय के बाद। गुड मॉर्निंग गाइस, तो थोड़ा सा आपने क्लिप देखा होगा, उसके बाद यहाँ पे मैंने वीडियो बनाया ही नहीं। आज मेरा आई थिंक 6वां दिन है, 6ठा या 7वां दिन होगा ये, अभी तक मैंने कोई वीडियोज़ वगैरह उतने खासा मैंने यहाँ पे बनाया नहीं है। तो ये चाय की प्लेस पर मैं आ गया हूँ, लेकिन मैं आपको पूरी बात समझाता हूँ हुआ क्या। तो आपको पता है कि मेरे आने के बाद मेरा सारा कैमरा वगैरह सब कुछ ले लिया यहाँ पे गया था, लेकिन जब मैं यहाँ पर आया, मैं जब कंपाला पहुँचा, कंपाला के पहले ही दिन जब मैं ब्लॉगिंग कर रहा था अपने फ़ोन से, अभी मैं अपने फ़ोन से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो यार किसी लोगों ने कैमरा छीनने की कोशिश की, मेरा फ़ोन छीनने की कोशिश की, उसके बाद मैं काफ़ी डर सा गया। उसके बाद मैंने कभी वगैरह वीडियोज़ वगैरह कभी बनाया ही नहीं यार, मतलब वो एनर्जी थी नहीं वीडियो बनाने में, मैं सिर्फ अकेले बिना कैमरा के मैं वीडियो एंजॉय कर रहा था। आज मैं थोड़ी शहर से बाहर आया हूँ बहुत दिनों के बाद, 4-5 दिन मैं कंपाला में रहा, काफ़ी कुछ देखा कंपाला में, लेकिन कंपाला जो युगांडा की कैपिटल है, मुझे बच्चे फॉलो कर रहे हैं, 4-5 दिनों के बाद मुझे लगा चलो थोड़ा बाहर चलते हैं, तो आज मैं बाहर आ गया हूँ। और इस बाहर जब आया तो ये कुछ हम लोग अभी आए हैं, बताऊँ कहाँ पर आए हैं, बस थोड़ी स्टोरी समझा रहा था वहाँ पर आके मैं, हालांकि मैं काफ़ी स्रोत बना हुआ, अभी भी काफ़ी लोग मुझे हर तरफ से निगाहों से देख रहे हैं, और ये भाई साहब देखो मुस्कुरा भी रहे हैं, क्या भाई साहब ठीक है, यार लोग एकदम लोग पीछे से कभी कभी हंस भी रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो जब मेरा उन्होंने कैमरा छीनने की कोशिश की मार्केट में, या फिर मैंने कहा यार वीडियो हटाओ बनाई मत, फिर मैंने कंपाला में कहीं वीडियो बनाया ही नहीं। और आज हम लोगों ने कार रेंट की, हमेशा की तरफ आज एक कार रेंट की हमारी कार, कहीं ये है टूरिस्ट व्हीकल, अगर आप देख पा रहे हो तो थोड़ा मैं जूम करता हूँ, ये वाली व्हीकल टूरिस्ट व्हीकल, और कार जूम करने, कार रेंट करने के बाद हम लोग आए हैं आज पता नहीं किस लेक, लेक कहो का, तो भाई पूरा जो विलेज हम देखने के लिए आ गया है, डर गए। एक्सक्यूज मी, चाय चाय वे चाय चाय टी, नो इंग्लिश, टी टी टी, यू डोंट हैव वेयर, यू नो वेयर 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 खुदा, मैं रशियन बोल रहा हूँ, साथ रशियन को क्या समझ है, तो भाई साहब एक्चुअली यहाँ पे लेक का नाम भूल गया वापस से मैं, क्योंकि अपने फोन में ही देखना पड़ता था मुझे लेक को, लेक का नाम याद नहीं, लेकिन ये लेक को देखने के लायक होते कि अगर यहाँ पर हम लोग आ ही गए तो एक बोट लेके हम लोग निकल जाएंगे आगे की तरफ, और रास्ता भाई खतरनाक था, आपको जब मैं वापस जब जा रहा हूँ तो आपको मैं वो रास्ता दिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल चल रहे हैं लोग पीछा कर रहे हैं, चाय तो मिला नहीं, चलो बिना चाय की जिंदगी गुजारनी पड़ेगी, अभी चाय की काफ़ी सी आदत हो गई थी, कुछ थोड़ा चाय खोजूँ। हेलो ब्रदर, हाउ आर यू, ये भाई साहब मुझे काफ़ी देर से फॉलो कर रहे हैं, पता नहीं सारे लोग ऐसे देख रहे हैं, पता नहीं कि मैं मेरा भी ये है काफ़ी ब्रदर, भी भाई साहब भी एक वाइट को यहाँ पर आ गया है, पूरा गाँव लगता है देखने के लिए, काइंड ऑफ आ गया है, ये कुछ ज़्यादा छोटे से गाँव दिखता है ऐसा भाई, ये भाई साहब कुछ जिससे बातें कर रहे हैं, ये है लेक जिस लेक की मैं बात कर रहा था, और ये बड़ा छोटा सा गाँव एरिया है, इलाका है। हेलो हाय, हाउ यू गाइस डूइंग, सारे लोग भाई आ गए यहाँ पे, तस्वीर लगा तस्वीर खिंचवाया जा रहे हैं, भाई मैं वीडियो बना रहा था मेरे पीछे आ गए, हेलो कम कम, व्हाट्स योर नेम, काफी सारे बच्चे हैं यहाँ पे, हाय जूनिया 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 ऑल टुगेदर जूनिया, या ऑल टुगेदर फटाफट, हाँ या यस यस बोल इट यस, भाई साहब ये फोटो दिखा रहे हैं सबको, और देखो भाई एकदम लाइन लग गई है लोगों की, मुझे
गांव में सारे लोग एकदम मेला लगा देते हैं हम लोगों को देखने के लिए। मेरा बाल वगैरह देख रहे थे, प्रेरण का बाल वगैरह देख रहे थे, पता नहीं क्योंकि लोग ऐसे बाल नहीं होते ना, इस तरह साइन वगैरह बाल इनके नहीं होते, तो इनके लिए काफ़ी सारा मत क्या बोल क्या क्या कौन सा वर्ड यूज़ करो यहाँ पे, मतलब काफ़ी फैंसी ड्रेस होता है जैसा कि एकदम कोई ना एलियंस आ गया हो। काफ़ी सारा क्या करते हैं छोटे छोटे गाँव में, इसलिए मुझे अपने काफ़ी पसंद है क्योंकि सब अंदर भी लाइन की भीड़ लगती है और लोग देखते हैं आगे कि यहाँ पे क्या कर रहे हो। पास एक मार्केट भी है, सोचा आपको दिखा दूँ भाई। यहाँ पे एक मूवी थिएटर भी है भाई, क्या देखना है क्या मूवी? मूवी वर्किंग नो मूवी फिल्म फिल्म नो भाई पाउंस का यहाँ फिल्म है ये भाई, यहाँ का लोकल थिएटर है, ऐसा दिखता है भाई यहाँ का लोकल थिएटर। एक इन्होंने छोटा सा बेंच लगा रखा है, छोटा छोटा बेंच है और साथ में यहाँ पे छोटा सा पर्दा है। आई थिंक जनरेटर है यहाँ पे लाइट के लिए, आई थिंक यहाँ पर ये लगाते हैं यहाँ से दिखाते हैं, और छोटा सा टीवी लगा रखा है यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से गांव में कोई टीवी नहीं है इसलिए सारे लोग यहाँ पे आके देखते हैं। दिस इज द लोकल थिएटर ऑफ दिस विलेज, काफी अच्छा लग रहा है देखने में भाई। यहाँ के एक लोकल मार्केट में आ गए हैं वापस से, छोटे से गाँव में हम लोग आए हुए थे, गाँव के पास पड़ता है, लेक जाने का बहुत रास्ता है बट हम लोग दूसरा रास्ता चूज किए थे, और एक छोटा सा गाँव है हमारे बिहार में से हटिया टाइप का बोलते हैं, कुछ हटिया टाइप का ही दिख रहा है ये। हेलो नगन, हम नगन मुजुंगू या मुजुंगू टमाटर है भाई, हाउ मच दिस वन टमाटोज या 1000-2000 भाई सस्ता है यार, 30-25 रुपए के आसपास में यहाँ पे आपको प्राइस मिलेगा। बैगन है, लहसुन है बहुत ज़्यादा यहाँ पे भाई, काफ़ी सारे लहसुन है। ये भाई छोटी छोटी मछलियाँ, या इट्स वेरी एक्सपेंसिव इन इंडिया, हाउ मच फॉर दिस 1000 भाई? 1000-2000-3000 का मतलब वही 70 रुपये के आसपास बनेगा भाई। ये लोग भाई अभी तक फॉलो कर रहे हैं, तो भाई ब्रेडन ने एक बच्चे को गोद लिया है ये भाई साहब। ब्रेडन इज योर चिल्ड्रन भाई, तो कुछ सब्जियां वगैरह मिल रही है, काफी सही मार्केट है, छोटा सा जो गांव का मार्केट होता है कुछ उसी तरह का हिसाब किताब है। हेलो, लोग डर जाते हैं, हाय हेलो करते हैं तो, और लोग देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है बंदा। लोग ऑफ कोर्स काफी हाथ वगैरह मिलाते हैं यहाँ पे, ऑफ कोर्स अगर दे सकते हैं यहाँ पे कोई कोई कोरोना का सीन नहीं है। यू नो व्हाट इज कोरोना, यू नो कोरोना, यू नो कोरोना, इसे कोरोना ये पता ही नहीं होगा कि यहाँ पे कोरोना का कोई सीन एग्जिस्ट करता ही नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे कोविड वगैरह कुछ ऐसा है नहीं यहाँ पे भाई। यहाँ पे लोग चल रही है रोजमर्रा की जिंदगी, यहाँ पे ऐसा गाँव है। I don't know. What are you saying? English. I don't know English. You don't know English? Okay. तो भाई ये बोल रहा था कि मेरे पीछे जो मैं ब्लॉक कर रहा हूँ, कि मैं अपने फोन से ब्लॉक कर रहा हूँ, तो मेरे पीछे लोग हैं वो देख रहे हैं क्या कर रहा है बंदा, ये सारे लोग ऐसे देख रहे थे कि क्या कर रहा है बंदा ये। लेकिन यहाँ पर हम लोग जब आए तो अच्छा इनका अच्छा खासा एंटरटेनमेंट हो गया, सारे लोग सारे बच्चे खातिर पीछा कर रहे हैं, और कुछ जो लोग अंग्रेजी बोल रहे हैं हमसे बातें करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बच्चा इधर देख रहा है उधर देख रहा है, ये क्या चल रहा है, ये क्यों वीडियो बना रहा है, इसे कुछ समझ नहीं आता होगा। हाँ लेकिन यहाँ पे कोविड वगैरह कोई सीन ही नहीं बनता है क्योंकि यहाँ पे कोविड वगैरह कुछ है ही नहीं, कोविड तो मानता नहीं आज तक मैंने विलेज में, जब से मैं आया हूँ घंटे विलेज में आया, मैंने किसी बंदे को कोविड लगा नाच लगाते हुए नहीं देखा। यू नो कोविड कोविड यू नो कोविड कोविड कोरोना वायरस यू नो यू नो कोरोना मतलब यू नो कोरोना व्हाट इज दिस व्हाट इज कोरोना कोरोना इज मीनिंग कोरोना। बच्ची डर रही है लेकिन बच्ची कुछ तंग बोल रही थी। हेलो हाय हेलो 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 भाई, ये सब गांव जो है इंडिया से काफी पिछड़ा हुआ है, इंडिया के गांव की बात करें उसे काफी पिछड़ा हुआ है, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा भाई स्मार्टफोन मैंने किसी बंदे के पास नहीं देखा, जैसे भाई सबके पास भी अपना छोटा सा चाइनीज टेक्नोफोन यूज कर रहे हैं देख लो आप,
लेकिन यहाँ पे स्मार्टफोन वगैरह किसी के पास आपको मिलेगा ही नहीं। हालांकि यहाँ पे आपको एक दारू की दुकान मिल जाएगी, आपको पूरा दारू मिलता है, खरीदना है तो यू नो वेयर कैन गेट चाय टी। मैंने कहा तो लेकिन आसपास रेस्टोरेंट है, आई थिंक दिस इज रेस्टोरेंट, या दिस इज रेस्टोरेंट आई गेस, यस यस आई हर्ड सो, मे बी दिस वन इज रेस्टोरेंट। हेलो प्रिव्यात, कुछ है ये तो मीटिंग में लग रहा है भाई। Brother, do you know where I can get chai? Tea, yeah, tea. Inside? Thank you. उन्होंने कहा अंदर ही है भाई, तो देखता हूँ क्या अंदर में नहीं है। ये तो भाई कुछ मुझे, ये यहाँ का रेस्टोरेंट है भाई, जैसा भाई साहब ने बताया। हेलो चाय, चाय स्पीक इंग्लिश स्कूल, इट्स नॉट वार्म, जस्ट लिटिल बिट नॉट वार्म, it will take time, like you can warm this in your mother on there, okay wait I can wait, thank you very much, I don't know how to thank you in local language man, asante sana, mujhe tanjania ka yaad tha wahi bol diya, asante sana wahi local language yaad nahi, yahan ki kursiyan bhai baitho is kursiyan pe aur enjoy karo chai, kya gaddedar kursi hai bhai, sahi kursi hai bhai ye gaddedar wali, to bhai theek aaya na, ab bula lo, how are you brother, speak english, hi यहाँ का रेस्टोरेंट है, इकलौता रेस्टोरेंट है यहाँ का, तो हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। या तो अगर बिहार के अगर मैं कंपेयर करूँ तो भाई बिहार के एक मिड डे मील जैसा स्कूल नहीं होता, ऐसा ही दिख रहा है यही भाई, और लोग वीडियो मेरा इन्जॉय कर रहे हैं। आप वीडियो तो भाई बाद में इन्जॉय करोगे, यहाँ के जो लोग हैं वो लाइव इन्जॉय कर रहे हैं मेरी वीडियो को, उससे बड़ी बात क्या हो सकती है, काफी अच्छा लग रहा है, पीपल आर एंजॉयिंग माय वीडियो लाइवली हियर एंड द व्यूअर्स दे विल वॉच लेटर। देख लो भाई सामने तब एंजॉय कर रहे हैं, व्हाट वाज दैट भाई, लोग ये लोग कैमरा को फॉलो करते हैं, ब्रदर भाई साहब वीडियो बना रहे हैं तो इसको फॉलो कर रहे हैं, जब जब हम लोग जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो सब मेरे पास आ जाते हैं ये लोग, आई थिंक मुझे लगता है कि कभी इन्होंने स्मार्टफोन नहीं देखा है कहीं लोग, क्योंकि मैं फोन से वीडियो बना रहा हूँ, मैं तो दूसरी बात शेयर बता चुका हूँ अभी तक, और सच में मैंने इस गाँव में अभी तक कोई स्मार्टफोन देखा ही नहीं है भाई, कोई स्मार्टफोन नहीं देखा है, लोग मेरे पीछे देख रहे हैं वीडियो, यहाँ पे आंटी चाय बना रही है, यहाँ पे आंटी थैंक यू वेरी मच, तो भाई चाय की आशा लेके हम लोग यहाँ पर आए थे भाई, चाय तो मुझे लगता है नहीं मिला काइंड ऑफ, सिर्फ तक भाई मिल्क मिल रहा है मुझे, सिर्फ ये दूध लग रहा है, हाउ इज मिल्क, इज इट टी और मिल्क, मिल्क नॉट टी, इनके पास चाय था ही लगता है, दूध ही रखा है, सिर्फ दूध ही है भाई यहाँ पे तो, और ये सारे बच्चे इस कतार में बैठे हुए हैं एकदम, गांधी जी के तीन बंदर, ये तीनों बंदर है गांधी जी के, तो भाई लोगों को मैंने चाय दे दिया, चाय पी के काफी खुश हो रहे हैं ये लोग, गुड, ओ भाई साहब कुछ तो अपने पॉलिथीन में भर लिया यार घर ले जाने के लिए 2000 का चाय आया, मतलब 30 रुपए के आसपास का चाय यहाँ पर आया, नहीं 40 रुपए के आसपास का, दो चाय काफी बड़ा बड़ा चाय था, काफी खुश है, अब यहाँ से निकलने के लिए हम लोग रेडी है, चलते हैं यार, हमें जल्दी से रोड ठीक करना पड़ेगा, रोड काफी खराब है, तो आपको अगली वीडियो में आपको यहाँ का रोड दिखाऊंगा, ये वीडियो यहीं से समाप्त करते हैं, अगली वीडियो यहीं से स्टार्ट होगी, अगली वीडियो में आप यहाँ का रोड वगैरह देखोगे कैसा रोड है नहीं है, तो अभी हम लोग चलते हैं। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो इंस्टाग्राम में नॉमेड्स हूं, जाके फॉलो करो, और ये भाई साहब इसका चैनल है फ्रीडम ट्रैवलो, यूट्यूब चैनल है, जाके चेक करना इसके चैनल को भी, ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही आज के लिए, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।